आज की रात हमारी इस थाने में कटी है, बहुत मस्त जगह है। सही बता रहे, थाने वाले बहुत अच्छे हैं, खाना वाना सब कुछ खिलाया एकदम से, एक बार भी नहीं मना किया मुझे। तो देखते हैं, इतनी मस्त जगह है। लाइट भी अच्छी कटी, पंखे भी थे, लाइट भी थी, मोबाइल भी चार्ज किया, पावर बैंक भी। अब 5 बज रहे हैं, यहाँ से निकलने हैं, और इसलिए बोल रहे हैं यहाँ वीडियो और बनाना अलाउ नहीं है, तो धीरे से बना लेते हैं। हमें पता है, आप सबको तो दिखाते हैं कैसे मस्त जिंदगी कट रही है। इसे बता रहा हूँ, कभी दुख है कभी सुख है, कभी फुटपाथ पे तो कभी ऐसे सोफा सेट पे सोना पड़ता है, क्या जिंदगी। तो दोस्तों, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, और बागेश्वर धाम लगभग 2 से 3 दिन अभी लग जाएंगे, उसके की आगे जर्नी अपनी मुंबई के लिए चालू रहेगी। तो आपको पता है हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, तो हम बागेश्वर धाम अपना माथा टेकने जा रहे हैं, और बाबा जी से कुछ प्रश्न पूछने हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं उनसे हमारी मुलाकात हो पाएगी कि नहीं होगी, उससे इसी के लिए हम जा रहे हैं वहाँ। तो बहुत मस्त लग, जाने की इच्छा नहीं हो रही, सही बताए। सोचा है बहुत लेट जाए, और लेकिन क्या करें, सफर तो भाई करना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों, अब हम तैयार हो गए हैं, और हमें सर ने परमिशन दे दी है जाने के लिए, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो हमारा पैकअप भी हो गया, स्टैंड भी ले लिया, पावर बैंक भी ले लिया, और रात में पावर बैंक चार्ज भी हो गई। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ रात में 105 सीट पे लेटे थे, खाने से 2 किलोमीटर आगे। तो दोस्तों, अब हम आपको सारी बात बताते हैं, क्योंकि थाने में अलाउ नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए, और माँ इसलिए धीरे धीरे बोल रहे थे कि कोई सुन लेगा तो वो मना कर देगा ना मुझे। भाई, मुझे लेटने के लिए परमिशन दी है, मुझे वीडियो बनाने के लिए नहीं दी है। तो हम जब आए थे वहाँ से, तो हम थोड़ा वीडियो बना के लाए थे। तो यार, क्या ज़िंदगी है, कभी कष्ट भी आते हैं, कभी बहुत अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। बताओ, मैं परसों को मैंने आगरे में फुटपाथ पे, बताओ, मैंने रात बिताई है, और आज सोफा सेट पे। क्या किस्मत है यार, कहाँ क्या क्या खेल दिखाती है, सही बता रहा हूँ। आगरे की पुलिस में और यहाँ की पुलिस में बहुत अंतर होता है। यहाँ के हम एक खाली एक ही बार बोला है मैंने सर से, मैंने कहा सर मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ, अभी बागेश्वर धाम जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला ही नहीं कि जल भाई वहाँ ऑफिस है, वहाँ लेट जाओ। तो भाई कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। कुछ पुलिस वाले ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें दिल खुश कर देते हैं, और कुछ पुलिस वाले ऐसे मिल जाते हैं कि उनको लगता है कोई क्या बताए, कुछ बोला नहीं जाते हैं, क्योंकि एक के साथ में सब बेकार हो जाए, फायदा क्या है। लेकिन भाई कहावत है ना कि गेहूँ के साथ में घुल भी पिसते हैं। तो यार दोस्त, यार बहुत अच्छा लगा यहाँ, और पुलिस वाले ने बहुत खातिर की हमारी रात में, और खाना वाना सब कुछ खिलाया, और मैंने 7 रोटी खाई, 7। मैं ज़िंदगी में 7 रोटी नहीं खाता हूँ कभी भी, और ढाबे पर 3 से 4 में पेट भर जाता, लेकिन खाने की रोटी कुछ अलग होती है। तो 7 रोटी खाई मैंने यार। गाजर की सब्जी बनी, गाजर और मिक्स सब्जी बनी थी, गाजर आलू फूल और टमाटर और क्या बोला जाता है वो मटर, यार बहुत अच्छा लगा, सही बता रहा हूँ। नहीं, नहाए भी नहीं थे, तो हमने सोचा नहा लिया जाए। तो हम भाई के यहाँ टंकी पे आए, तो भाई से इजाज़त मांगी कि हम फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं, तो भाई ने बोला हाँ आप नहा सकते हैं। तो बस अभी नहा के निकले हैं, और हमने सोचा भाई के साथ एक वीडियो बना लिया जाए। तो भाई से, भाई साहब आपका नाम क्या है? छोटू कुशवाहा। ओह माई गॉड, इनका नाम छोटू कुशवाहा है, हम भी हैं अरुण सिंह कुशवाहा, यानी कि हम कुशवाहा कुशवाहा मिल गए आज। क्या बात, क्या किस्मत मेरी है यार। और भाई आपका नाम? अरे यार क्या बात है, हम बताओ कुशवाहा ही मिले आज हमें, पता नहीं आज मैं किसका मुंह देख के उठाऊँ, सही बता रहा हूँ। उठा तो खैर पुलिस वाला सामने खड़े थे, तो उन्हीं को देखा मैंने सुबह सुबह। तो भाई यार बहुत मिलती खुशी यार, गले मिलना चाहते हैं, कभी कोई तो मिला मुझे अपना यहाँ।
तो भाई से पूछा मैंने कि सर ना आ सकते हैं, तो बोला हाँ आप फ्रेश हो लीजिए उसके बाद में जाइएगा। तो हम बस अब फ्रेश हो गए एकदम, कतई नहा धो के, लेकिन तेल वगैरह तो है नहीं, वो ऐसे पूरा दिन रहते हैं। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे ग्वालियर के लिए, ग्वालियर से सीधे जाएंगे बागेश्वर धाम, और बागेश्वर धाम से सीधे मुंबई। और बागेश्वर धाम हम इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ कुछ तमन्ना है किसी से मिलने की, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।